लास्ट क्लास में पॉइंटर्स को किस तरीके से क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैल्यूज को किस तरीके से प्रिंट करवाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखी थी। एड्रेसेस को कैसे प्रिंट करवाना है, और साथ साथ में हमने जो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था उसमें हमने वैल्यूज डायरेक्टली असाइन की थी, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया था। अगर यूजर से इनपुट लेके काम करवाना हो तो वहां पे पॉइंटर्स को किस तरीके से काम में रहते हैं, आज हम उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल सा है, दो नंबर्स का हमें इनपुट लेना है यूजर से और सिंपली उन दोनों को एड करवा के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, जैसे कि अभी तक इम्प्लीमेंट करते आए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब जो सारी वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे पॉइंटर्स के केस में थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट हो जाती है, कैसे काम करता है लेट्स सी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे तीन वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि जब तक वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे तब तक हम उनके एड्रेसेस को स्टोर नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे इंट टाइप के तीन वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, नम वन, नम टू एंड सम वन। सम नम वन और नम टू यूजर से दो नंबर्स का इनपुट लेने के लिए है, और इन दोनों को एड करवा के जो रिजल्ट हम स्टोर करवाएंगे वो होगा इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इनको इनिशियलाइज नहीं किया है तो स्टार्टिंग में इनके अंदर जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी गार्बेज। अब यहाँ पे वेरिएबल के क्रिएशन के बाद हमें पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे तीन पॉइंटर्स क्रिएट किए। अब पॉइंटर्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स, डेटा टाइप, डेटा टाइप का यहाँ पे मतलब है कि जो पॉइंटर हम क्रिएट करने वाले हैं और जिसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होने वाला है वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं वो इंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर का टाइप भी इंट ही होगा। डेटा टाइप फॉलोड बाय एस्ट्रिक सिंबल, जिसे आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर वैल्यू एट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, फॉलोड बाय हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम equals to और किस वेरिएबल का एड्रेस हमें उसमें असाइन करवाना है। तो एड्रेस ऑफ नम वन, यहाँ पे ptr1 जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसमें नम वन का एड्रेस मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे नम टू का एड्रेस भी स्टोर करवाना है, अगेन एस्ट्रिक ऑफ ptr2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम टू एंड एस्ट्रिक ऑफ ptr3 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सम। तो जो तीन वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए थे उन तीनों वेरिएबल्स के लिए तीन अलग पॉइंटर्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं और सक्सेसफुली एड्रेसेस को भी स्टोर करवा दिया है। नाउ फॉलोड बाय सीएलआर एससीआर, अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया है दैट इज एंटर एन इंटीजर, ताकि यूजर को पता चल जाए कि किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है। अब यहाँ पर स्कैनएफ की हेल्प से हम इंटीजर टाइप की वैल्यू उसका इनपुट ले सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट बनता है हमारा वो किस तरीके का बनता है, scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग मेंशन करते हैं, देन कॉमा, देन एड्रेस ऑफ और हमारे वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है num1 एंड num2, तो एड्रेस ऑफ num1 या फिर एड्रेस ऑफ num2 आएगा। अब ये जो एड्रेस ऑफ num1 है या फिर जो एड्रेस ऑफ num2 है ये एक्चुअली में कहाँ पर है, ये है हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे ptr1 की बात करूं तो इसके अंदर यही टर्म तो असाइंड है एड्रेस ऑफ num1, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एड्रेस ऑफ num1 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही वैल्यू है जो हमारे वेरिएबल का एड्रेस है और एड्रेस पे जाके ही वैल्यूज जो है वो स्टोर होती है। तो scanf percent d comma ptr1, ptr1 is equals to address of num, let's suppose कि जब वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट किया गया था तो ये 1000 एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, तो ptr1 के अंदर 1000 नहीं है तो हम 1000 लोकेशन पे जो यूजर ने इनपुट किया है उसको स्टोर करवा रहे हैं। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल, printf enter an integer and scanf person d comma ptr2, let's suppose के यहाँ पे num2 जो variable create किया गया था उसका address है 2000, अब ptr2 को हमने as a pointer type create किया है तो उसके अंदर 2000 ही stored है, तो 2000 location पर ही तो input लेना है, तो मैंने directly लिख दिया ptr2, तो यहाँ पर जिस भी type की value होगी वो इन pointer variable के अंदर जाके store हो जाएगी।
अब पॉइंटर्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंट यू एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनपुट लेते टाइम भी परसेंट यू काम में आएगा। हम यहाँ पे इन पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर इनपुट नहीं ले रहे हैं, इन पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर्ड है हम उस पे इनपुट ले रहे हैं और उनका टाइप है सिंपल इंटीजर जो साइंड और अनसाइंड दोनों हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आने वाला है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स सबको समझ में आए, इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पे हम किसी भी तरीके की वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूंगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि जिस एड्रेस को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस पे क्या वैल्यू है, तो वैल्यू तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अभी तो वहां पे गार्बेज है। मुझे वैल्यू पे नहीं, जो एड्रेस मेरे पास में अवेलेबल है मुझे उस पे इनपुट लेना है। जब भी हम यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट लेते हैं तो हम एड्रेस ऑफ नम लिखते हैं या फिर एड्रेस ऑफ सम लिखते हैं या फिर एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं, तो यही तो है हमारे पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे किसी भी वजह से एस्ट्रिक का सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे और प्रिंटिंग टाइम पे ये सिंबल्स आते हैं, क्योंकि इन एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यूज को हमें एक्सेस करना होता है। अगर मैं इसके आगे एस्ट्रिक का सिंबल लगा दूंगी तो फिर गार्बेज वैल्यू को ये एक्सेस करने लगेगा, वो नहीं करवाना। जो यूजर ने इनपुट किया है उसे एड्रेस पे जाके स्टोर करवाना है। That's why we are not using any value at operator. तो ये input वाला part सबको clear है? अब यहाँ पे दोनों numbers का input हमने ले लिया है, अब simply हमें क्या करवाना है, हमें sum करवाना है। तो सम के लिए यूजुअली जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो होता है कुछ इस तरीके का, नम वन प्लस नम टू, सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू। अब यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं करना, सारी वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है। अब पॉइंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एड्रेस जहाँ पे हमने स्टोर करवाया है बेसिकली वो वाले पॉइंटर्स काम में लेने पड़ेंगे। तो एक है हमारा सम जिसके लिए पीटीआर थ्री क्रिएट किया है, एक है नम वन जिसके लिए पीटीआर वन है और एक है नम टू जिसके लिए पीटीआर टू है। अब यहाँ पे एड्रेसेस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना, उन एड्रेसेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो पीटीआर वन यानी कि नम वन का एड्रेस, इस नम वन के एड्रेस यानी 1000 लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना है। तो लेट्स अज्यूम के नम वन के अंदर 10 इनपुट किया गया था और इसका एड्रेस है 1000, तो 1000 लोकेशन पर जो हमारे पास में वैल्यू प्रेजेंट है उसको यहाँ पे लाके ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि 10 इधर आके पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है यानी कि दूसरे ऑपरेंड को भी ये चेक करेगा, पीटीआर टू, पीटीआर टू यानी कि एड्रेस ऑफ नम टू। जैसे कि मैंने कहा लेट्स अज्यूम 2000 इसका लोकेशन है, तो 2000 मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू प्रेजेंट होगी, लेट्स सपोज की वैल्यू इनपुट की गई थी 20, तो यहाँ पे 20 आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 10 प्लस 20 एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा विच इज 30। अब इस 30 को हमें कहाँ जाके स्टोर करवाना है, इस 30 को हम पीटीआर 3 पे स्टोर नहीं करवाएंगे क्योंकि पीटीआर 3 पे तो एड्रेस प्रेजेंट है सम नाम के वेरिएबल का। सम नाम का वेरिएबल जहां पे क्रिएटेड है मुझे वहां पर वैल्यू असाइन करवानी है। तो यहाँ पर सम वेरिएबल का जो एड्रेस प्रेजेंट है वहां पर जाके वैल्यू असाइन करवा दो। क्या वैल्यू असाइन करवा दो, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर 3 इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर 1 प्लस एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर 2, व्हिच मींस अब हम यहाँ पे वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं हर एक वेरिएबल की, वो भी इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर सिंपली दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराया और उनका जो सम कैलकुलेट करवाया है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नम वन परसेंट डी एस्ट्रिक दैट इज वैल्यू एट पीटीआर 1, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नम टू परसेंट डी वैल्यू एट पीटीआर 2, एंड लास्टली प्रिंट एफ सम कोलन परसेंट डी वैल्यू एट पीटीआर 3। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 एज अ आउटपुट हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। एक बारी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देखेंगे
पर किसी भी स्टेटमेंट में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल और ये एग्जीक्यूट। सबसे पहले मैं वही इनपुट दे रही हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल में कंसीडर किए थे 10 एंड 20। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ नम 1 10, वैल्यू ऑफ नम 2 20 एंड सम इज 30। अगर कुछ और वैल्यू देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में काम होगा। तो 0 प्लस 34 इज 34, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से अलग अलग एड्रेसेस पे इनपुट और उन एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उस पे एडिशन ऑपरेशन और थर्ड वाले एड्रेस पे जाके हमने स्टोर करवा दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सम यूजिंग पॉइंटर्स। अभी भी इस एग्जांपल में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोग्राम टू फाइंड इवन एंड ऑड यूजिंग पॉइंटर। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं अभी तक, विच मींस सिंपल प्रोग्राम इफ को यूज करके हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, लूप को यूज करके, एरे को यूज करके एंड स्ट्रिंग को यूज करके, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंटर का एक एग्जांपल हम कवर करेंगे। तो सिंपल प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है जहाँ पे एक ऑपरेटर को यूज करके टास्क परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है इट इज टू यूज the if statement, ठीक है? प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल सा है, इवन ऑड पता लगाना है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही है, कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो वो कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स, वरना फिर दूसरे केस में उन्हें हम ऑड कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है asterisk of ptr, और ये है int type का। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे variable के address को store कर रहा है जो कि integer type का है। तो asterisk of ptr is equals to address of num। अब यहाँ पे भी इस num के अंदर user से input लेंगे और check करेंगे कि वो even है या odd है। तो printf enter an integer, scanf %d, ptr. ptr is equals to address of num. तो basically चाहे आप ptr लिखिए या address of num लिखिए, काम हमारा वही होने वाला है। जो भी इसका memory address होगा, base address होगा, वहीं पे जाके value store हो जाएगी। अब यहाँ पे इस ptr के अंदर जो भी value है, मतलब जो address है और इस address पे जो value present है, मुझे उसको check करना है। तो यहाँ पे अब कंडीशन जो लगेगी हमारी, इफ asterisk of ptr modulus of 2, अगर मैं यहाँ पे ptr की बात करती हूँ तो इट इज एड्रेस ऑफ num, और इसके आगे अगर हम asterisk का सिंबल लगा दे तो इस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको ये एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे लेट्स से कि यूजर ने num के अंदर 10 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो 10 को अगर मैं 2 से मॉडुलस करती हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। 0 is equals to 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रिंट एफ में मैसेज आ जाएगा परसेंट डी इज इवन। अब परसेंट डी कहाँ पे? फिर से पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस किया, एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर, तो 10 इज इवन हमारे पास में आंसर आ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे 10 के बजाय यूजर ने सपोज 13 इनपुट किया है, तो यहाँ पे 13 को 2 से मॉडुलस करने पे रिमाइंडर 1 आएगा और 1 0 के बराबर नहीं है। इफ की कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएंगे और ये वाला प्रिंट एफ हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज पर्सन डी इज ऑड। यहाँ पे भी एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर को ही मैंने प्रिंट करवाया है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज अ पॉइंटर वेरिएबल इन सिलेक्शन या जो हमारे पास में ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं इफ में, या फिर मान लीजिए अगर स्विच होता हमारे पास में तो हम यहाँ पे सिंपल स्विच लिखते और स्विच के अंदर हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का हमारा नाम लिख देते। अब जो भी आपके केस आ रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्किंग यू आर डूइंग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो जाता। तो यहाँ पे इस तरीके से इवन ऑड को पता लगाया जा सकता है। एक बार ये एग्जीक्यूट करके बताना है प्रोग्राम, या आप लोगों को समझ में आ गया है? मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लूपिंग के साथ में है। अब यहाँ पे प्रोग्राम जो है हमारा बड़ा ही सिंपल सा है, दैट इज प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल बट पॉइंटर को यूज करके।
अब यहाँ पे पॉइंटर को यूज करके तो ठीक है, पहले हम सिंपल लुक की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास में होता क्या है, फैक्टोरियल यानी कि हमारे पास में कोई एक इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इस पॉजिटिव इंटीजर को हम ग्रेटर देन वन तक की सारी वैल्यू से वन बाय वन मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू जो भी हमारा आंसर आएगा ये कहलाएगा हमारे 5 का फैक्टोरियल, यानी कि इस 5 नंबर तक पहुंचने के लिए हमने जितने नंबर्स को क्रॉस किया है वो कहलाएंगे यहाँ पे इस फैक्टोरियल के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर है हमारा वो हमें एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ पीटीआर वेरिएबल। तो देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिंपल नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद इंट एस्ट्रिक पीटीआर, इंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिस वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर करने वाला है वो भी इंटीजर टाइप का ही है, तो इंट एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम। अब ये तो हो गया यूजर से इनपुट लेने के लिए, जब फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे तो उसे भी तो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर्स को इंक्रीज करवाते जाते हैं, मतलब 5 के बजाय 10 होगा 15 होगा, तो ये नॉर्मल इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो है लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इसे 1 से मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 से इसको इनिशियलाइज करवाएंगे तो होगा क्या, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करवाओ आंसर हमारा 0 ही आने वाला होता है। तो हम 1 से लेके इस नंबर तक का लूप चलाएंगे और 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। तो आप चाहें तो सीधे 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लीकेशन भी करवा सकते हैं और चाहें तो 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन भी करवा सकते हैं। दोनों केसेस में हमारा फैक्टोरियल जो है वो परफेक्टली काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट नहीं, हमारा पॉइंटर वेरिएबल का क्रिएशन बाकी है। अब यहाँ पे जो फैक्ट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो है लॉन्ग टाइप का, तो अब जो पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे उसे भी लॉन्ग टाइप का ही हमें क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेटा टाइप है वो ये बताता है कि जो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है वो किस टाइप के एड्रेस, किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को काम में लेने वाला है। तो यहाँ पे फैक्ट भी लॉन्ग टाइप का है इसलिए पॉइंटर भी लॉन्ग टाइप का ही होगा। तो लॉन्ग एस्ट्रिक पीटीआर फैक्ट इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ फैक्ट। तो लेट्स से कि यहाँ पे नम का जो एड्रेस है इट इज 1000 और यहाँ पे फैक्ट का जो हमारे पास में एड्रेस है लेट्स से इट इज 2000। ठीक है, तो पीटीआर के अंदर अभी 1000 है और पीटीआर फैक्ट के अंदर अभी 2000 है। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है नंबर का, जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक हम लूप चला के काम नहीं करवा सकते। तो प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, स्कैन एफ पर्सन डी कॉमा पीटीआर, अब पीटीआर यानी कि एड्रेस ऑफ नम विच इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 लोकेशन पर यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो इधर जाके स्टोर हो जाएगा, इस लोकेशन पर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है, कहाँ से, जब तक मैं हमारे ओरिजिनल नंबर से 1 तक नहीं पहुंच जाती तब तक मुझे बार बार मल्टीप्लीकेशन करवाते रहना है। तो अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है, आप चाहें तो इसे फॉर लूप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइल को काम में लिया है। तो वाइल एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन 1, अब एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर यानी कि 1000 लोकेशन पर जो नंबर है, लेट्स अज्यूम कि यूजर ने 5 एज अ नंबर इनपुट किया है, तो जब तक 5 ग्रेटर देन 1 है तब तक हमें यहाँ पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, वैल्यू एट 1000 एड्रेस विच इज इक्वल्स टू 5, तो जब तक 5 ग्रेटर देन 1 है तब तक हमारा लूप चलने वाला है। अब यहाँ पे करना क्या है, 1 बाय 1 जितने भी नंबर्स आते जा रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवाते रहना है और बार बार हमें उनको एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर एड करवाते रहना है ताकि एक कलेक्टिव रिजल्ट हमारे पास में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर फैक्ट इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर। अब ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट कैसे बन रहा है, 2000 लोकेशन पर जो वैल्यू है, 2000 लोकेशन पर अभी करंटली क्या वैल्यू है,
अगर हम बात करें यहाँ पे 2000 लोकेशन की, तो ये फैक्ट के एड्रेस को रेफर कर रहा है, यानी कि वन एज अ वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब हमें इस लोकेशन पर करना क्या है, हम इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाना है उस लोकेशन पर प्रेजेंट वैल्यू से जो पीटीआर के अंदर है, विच मीन्स 5 से। तो अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर मेरे पास में 5 ही आने वाला है। तो इनडायरेक्टली एड्रेसेस पे प्रेजेंट वैल्यूज को यूज करके हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं। 2000 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट थी उसको एक्सेस किया है और मल्टीप्लाई करवाया है उस वैल्यू से जो यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास में आंसर 5 आने वाला है। तो अब इस 2000 लोकेशन पर जो करंट वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी दैट इज 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारे पास में करंट नंबर है उसमें एक डिक्रीमेंट करना है। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा, यानी कि 4 नहीं आएगा, फिर 3 नहीं आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 1 नहीं आएगा। तो पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर माइनस 1, यानी कि 1000 लोकेशन पर जो नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, उसमें माइनस 1 कर दो। तो अब 1000 लोकेशन पर क्या जाके स्टोर हो गया, 4 जाके स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि हम मेमोरी को यूज करके सारे काम कर रहे हैं तो इस पीटीआर में अपडेशन की जरूरत नहीं है, वेरिएबल को यूज करके सारा काम हो गया, एड्रेस को यूज करके सारा काम हो गया। तो अब यहाँ पे 5 के बजाय हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4। 4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप चलेगा। पीटीआर फैक्ट लोकेशन पर जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, करंटली 5 वहां पे स्टोर है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो इस एड्रेस पर वैल्यू प्रेजेंट है, यानी कि 4 प्रेजेंट है। तो 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर मेरे पास में क्या आएगा, 20। 20 आंसर आएगा हमारे पास में। तो ये 20 अब इस लोकेशन पर जाके स्टोर हो गया। अब फिर से डिक्रीमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस लोकेशन पर जो भी नंबर है यानी कि 4 नंबर है उस पे माइनस 1 कर दो, तो अब ये 3 हो जाएगा। 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप का स्टेटमेंट चलेगा। अब 2000 लोकेशन पर जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस लोकेशन पर प्रेजेंट वैल्यू से, यानी कि अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 20 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे 20 को अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2000 लोकेशन पर 60 वैल्यू जाके स्टोर हो गया। अब फिर से डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, करंट वैल्यू 3 है, माइनस 1 करेंगे तो वो अब 2 बन जाएगा। 2 इज अगेन यहाँ पे हमारे पास में ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, अब फिर से लूप चलेगा। 2000 लोकेशन पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1000 लोकेशन पर प्रेजेंट वैल्यू से, यानी कि हमें 60 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। तो आंसर अब हमारे पास में आ जाएगा 120। अब फिर से यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 बन जाएगा 1, और फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे अब हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, विच स्टेट्स प्रिंट एफ फैक्टोरियल परसेंट ऑफ एलडी। एलडी इसलिए क्योंकि हमने लॉन्ग टाइप का यहाँ पे क्रिएट किया है वेरिएबल, एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर फैक्ट, यानी कि 2000 लोकेशन पर क्या वैल्यू हमने लास्ट कैलकुलेट की है, 120। तो यहाँ पे 120 एज अ आउटपुट हमारे पास में कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल को लूपिंग के अंदर काम में ले सकते हो। अब जो कंसेप्ट मैंने वाइल पे इम्प्लीमेंट किया है, सेम कंसेप्ट गोज फॉर फॉर एंड सेम कंसेप्ट गोज फॉर डू वाइल लूप एज वेल। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है और ये हमारा वैल्यू एड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को एक साथ लिख दोगे तो हो सकता है सिंटेक्स एरर आ जाए, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करो, क्योंकि प्लस प्लस तो एक ऑपरेटर हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन जैसा कोई ऑपरेटर नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली स्टेटमेंट को लिखना। और एक और गड़बड़ जो यहाँ पे हमारे पास में आ सकती है, वो हो सकता है जब आप यहाँ पे डायरेक्टली माइनस माइनस लिखें। अब माइनस माइनस लिखने पर क्यों गड़बड़ आती है, इसका रीजन आपको तब पता चलेगा
जब हम एरे के साथ में पॉइंटर वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। लूपिंग के केस में कभी भी अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग करवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि या तो आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिखो या फिर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखो। डायरेक्टली पीटीआर माइनस माइनस या फिर पीटीआर प्लस प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि उस केस में मेमोरी को जब ये रेफर करने लगता है तो वहां पे गड़बड़ होती है। क्यों गड़बड़ होती है, क्या रीजन है, ये आपको तभी पता पड़ेगा जब हम एरे वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए जो लूप हमने यहाँ पे चलाया है उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा लूपिंग वाला पार्ट, कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। लेट्स जस्ट से कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 ही इनपुट किया है तो आंसर हमारे पास में 120 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू टाइप करते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे 4 एज अ वैल्यू टाइप किया है, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो वो 12 होगा, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो वो 24 होगा, फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 ही आने वाला है। तो हमने तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का कंडीशन लगाया है तो वो वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, तो आंसर हमारा आ चुका है। सेम गोज फॉर सम अदर नंबर एज वेल। अगर 7 यहाँ पे इनपुट करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 3 देन 2, तो 5040 है हमारा 7 का फैक्टोरियल। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट लूपिंग विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन?